सो सोहेगा स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर अडानी ग्रुप को लेकर जो ना अभी दो तीन खबरें निकल कर आई हैं एक तो आप लोग देखोगे कल के दिन अडानी ग्रुप के शेयरों में दबाव को लेकर सभी सवाल उठा रहे हैं जो अभी अडानी ग्रुप के शेयरों में क्यों दबाव बढ़ा है तो उसके पीछे का जो मेन कारण था मेन रीजन था वो समझ में आया है सेबी ने एक नोटिस जारी किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई जिसकी वजह से डानी ग्रुप के शेयर हमें कल के दिन दबाव में देखने को मिले हैं उसके बाद आप लोग देखोगे कुछ एक पॉजिटिव न्यूजें भी निकल कर आई हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए गिरावट से सभी अवगत है अभी गिरावट स्टॉक्स में हुई है जमकर गिरावट हुई है कल के दिन बहुत तगड़ी पिटाई हुई है डानी ग्रुप के शेयरों में लगातार तेजी के बाद एक तो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था भाई सभी को पता है उसके बाद जो है अभी ये नोटिस जारी होना तो इन सब का इफेक्ट इन शेयरों के ऊपर रहा है हालांकि इस नोटिस के बारे में भी मुझे आज ही पता चला है तो चलिए देखते भी डिटेल में आखिरकार क्या अपडेट थी और उसका आगे भी क्या ये ऐसे ही इफेक्ट रहेगा या फिर जो नबी अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से तेजी बहाल होगी तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई ये न्यूज हमें देखने को मिले टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट के ऊपर पहले बता रहे हैं भाई आपको जो खुशखबरी आई है वो तो यहाँ पर देखोगे अडानी समूह उत्तराखंड में सीमेंट और स्मार्ट मीटर में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए का जो नबी निवेश करेगा और ये खबर आई है कल रात दस बजे के आसपास जी हाँ रात को दस बजे के आसपास की न्यूज है एक बड़ी खबर है जहाँ से आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के जो आगे के प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं तो समूह के निवेशक सॉरी निदेशक प्रणव अडानी ने जो ना भी शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह उत्तराखंड में सीमेंट संयंत्रों के जो ना भी अक्षमता बढ़ाने और स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करने के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक का जुनाबी निवेश करेगा क्योंकि वह उत्तरी भारत राज्य में एयर एयरो सिटी और नॉलेज सिटी का जुनाबी विकसित करने की संभावनाओं पर भी जुनबी गौर कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समेट उत्तराखंड में बोलते हुए उन्होंने कहा कि समूह का सिटी गैस उपयुक्त उद्यम जो न भी हमें देखने को मिल रहा है जो 200 राज्य परिवहन व्यवसायों और पर्यावरण अनुकूल सी में अपवर्तित जो न भी करेगा उसके बाद आप लोग देखोगे उन्होंने कहा है सीमेंट क्षेत्र में हम उत्तराखंड में अंबुजा सीमेंट और जो मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के लिए 1700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे तो ये खबर आई है भाई ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है डानी ग्रुप के लिए तो चलिए अब जानते भाई जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से डानी ग्रुप के शेयर डगमगा गए हैं उसका कितना और इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये वो न्यूज है जो सात दिसंबर को साढ़े छह बजे के आसपास हमें देखने को मिली थी और जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट आप लोग देखोगे आठ तारीख को हमें सुबह स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिला है तो मामला क्या है अडानी हिडंग था सेबी ने एफपीआई को जो ना भी आप देखोगे कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हमें उन सभी के ऊपर जो ना भी किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है हमें हमारी सेबी के ऊपर विश्वास करना है सेबी इस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है ठीक है और 22 मामलों पर जो ना भी अपनी जांच पूरी कर चुकी है अभी दो बाकी है और जल्द से जल्द जो नबी पूरी जांच करने के बाद इसके ऊपर रिपोर्ट पेश कर देगी तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आया तो यहां पर आप लोग देखोगे कंपनी सॉरी से भी जो नबी एफपीआई को जो नबी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और क्यों किया है नोटिस में निवेशकों पर अपने अंतिम लाभार्थियों के बारे में जानकारी बया जो बन बनाए रखने और खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है ठीक है उसके बाद यहां पर देखोगे जो अंतिम लाभार्थी थे भाई सभी को पता है जिन्होंने जमकर पैसा बनाया था शॉर्ट सेलिंग के दौरान उनको यहां पर जो बताया गया तो यहां पर देखोगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को जो अभी कारण बताओ नोटिस भेजा है अमेरिकी शॉर्ट से लेनबर्ग रिसर्च द्वारा जनवरी में जो जारी हानिकारक रिपोर्ट में जो उजागर किए गए किए जाने के बाद अपनी जांच के बाद जारी किया है ठीक है और यहां पर देखोगे नई दिल्ली शेयर बाज़ार नियामक ने डानी समूह की कंपनियों के बड़े हिस्से के मालिक जो लगभग एक दर्जन विदेशी निवेशकों को कारण बताओ नोटिस जो भी जारी किया है और वह उनके वास्तविक स्वामित्व पर जो से भी पर्दा हटाना चाहता है और मामले से अवगत दो लोगों ने कहा नोटिस में जो निवेशकों पर अपने अंतिम लाभार्थियों के बारे में जानकारी बनाए रखने और खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को जो ना भी नोटिस अमेरिकी शॉर्ट शैल और रिसर्च द्वारा जनवरी में जारी हानिकारक रिपोर्ट में उजागर किए जाने के बाद अपनी जांच के बाद जारी किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कई फंडों के निवेश पोर्टफोलियो का जो ना भी एक बड़ा हिस्सा अदानी समूह की कंपनियों में केंद्रित है और रिपोर्ट के बाद इनमें जो इनमें से अधिकांश फंड या तो बाहर निकल गए या फिर आप लोग देखोगे अडानी समूह की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के आरोपों को खारिज किया गया भाई तो ये अपडेट्स रही है यानी कि जो एफ थे जिन्होंने अपने बहुत सारे फंड जो ना अभी बंद भी कर दिए हैं या फिर अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम कर दी है तो इन सब के बारे में जो से वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है और अपनी जो भी इनके द्वारा अपनी जो वास्तविकताएं हैं जो कुछ भी छिपाया गया है उन सबको देखते हुए कंपनी ने जो अभी भी सॉरी सेबी ने एफ को जो अभी कारण बताओ नोटिस भेज दिया है तो ये कारण रहा है आठ तारीख के दिन अडानी ग्रुप के शेयरों में दबाव का ठीक है यानी कि अभी जो ये हिंडनबर्ग मामला है या फिर वो अभी ठंडा नहीं हुआ है भाई हाँ हालांकि हमें जो ना अभी संकेत मिल चुके हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो ना अभी ऐसे कुछ भी जो ना नी जो आरोप लगाए गए थे ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है कुछ एक आरोप तो ऐसे थे जो सभी को पता थे जैसे कि जो स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के वो ओवर वैल्यूड है सभी को पता था ओवर वैल्यूड है पी जो है उसका ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी तक होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन ढाई सौ ढाई सौ तीन सौ तीन सौ गए हुए थे सभी को पता है लेकिन अभी के टाइम भी जो ना आप लोग देखो सेबी लगातार जांच कर रही है अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगी उस दिन जो है भी बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संकेत मिला है कि हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना ये ठीक है फिर आप लोग देखोग अमेरिका से जो ना अभी बड़ी अपडेट आई है अमेरिका से क्या अपडेट आई कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे हैं ये एक एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आई है तो ये सारी चीज़ें हमें अब तक देखने को मिली है तो जो तेजी का जो पूरा माहौल था वो किस वजह से बना सुप्रीम कोर्ट और आप लोग देखोगे जो यू रिपोर्ट आई है उन सब से लेकिन अभी सेबी की रिपोर्ट बाकी है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो